तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। ये हमारा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन बताएगा कि कैसे हमारी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं। फर्स्ट वैल्यू इज द एम इज इक्वल टू 7 एंड क्यू हमने मान लिया है -3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 7 को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप बाइनरी में देखिएगा, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एल्गोरिथम हमारी बाइनरी में मल्टीप्लाई करेगी यूजिंग शिफ्ट ऑपरेशन। हमने एल्गोरिथम भी पढ़ रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसे बाइनरी में मल्टीप्लाई करना है। तो बाइनरी में जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 0111, और अगर क्यू की वैल्यू, इसे तो हमने कर लिया, अब जो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू है। हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे नंबर का और फिर हमारा नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, 0011, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1100 एंड देन 1। तो ये बन गया आपका नंबर फॉर m इज इक्वल टू -3 की वैल्यू 1101। तो दैट्स द फाइनल वैल्यूज फॉर m एंड q। अब हमें m की वैल्यू पता चल गई और q की वैल्यू पता चल गई, बट द प्रोसीजर नहीं पता हमें। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ। नंबर 1 स्टेप कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं एल्गोरिथम को स्टेप्स के रूप में बता देता हूँ। नंबर 1 कि हमें m की वैल्यू पता होनी चाहिए, q की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड q माइनस 1 की वैल्यू, जो q नॉट माइनस 1 है। अब यहाँ पे मैंने q माइनस 1 लिख रखा, q नॉट माइनस 1 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और a की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज हमें नंबर 1 स्टेप में पता होनी चाहिए। नंबर 2 स्टेप क्या होती है, चेक द वैल्यूज। अब हमें चेक किसकी वैल्यू करनी है, चेक द वैल्यूज ऑफ q नॉट, एक सेकेंड, चेक द वैल्यूज q नॉट कॉम 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट, और q-1, q-1 की वैल्यू हमने यहां से रिप्रेजेंट करी। तो हमें चेक करनी पड़ेगी इनकी वैल्यूज क्या है, फाइनल वैल्यूज, एंड देन जैसे ही हमें ये वैल्यूज पता चल जाएगी तो हमारे पास 3 प्रोसीजर रहेंगे, थर्ड का ए पार्ट और थर्ड का बी और थर्ड का सी। जो भी ऑप्शन हमारा इससे रिप्रेजेंट करा जाएगा वो हम चलेंगे उसके प्रोसीजर। तो ए पार्ट हमारा ये कहता है कि अगर वैल्यूज 0011 मिलती है Q0 और Q-1 की, तो हम जाएंगे ओनली शिफ्ट राइट ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, शिफ्ट राइट की तरफ जाएंगे। और किसे किसे शिफ्ट राइट करेंगे ये भी बता देते हैं। शिफ्ट राइट करा जाएगा A को, Q को, Q0 को और Q-1 को, सही है। नंबर 2, अगर वैल्यू हमारी Q0 और Q-1 की मिलती है 01, अगर आपकी वैल्यू मिलती है 01, तो हमें क्या करना है, हमें परफॉर्म करना होगा एडिशन। A में आपको क्या स्टोर करना पड़ेगा, A प्लस M, M वैल्यू स्टोर हो जाएगी A में, और फिर इसके साथ हमारा शिफ्ट राइट भी करना पड़ेगा। तो दो चीजें होंगी इसके साथ कि शिफ्ट सच राइट भी करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर, अगर वैल्यू Q0 और Q-1 की 10 मिलती है तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना होगा A में क्या स्टोर करना होगा, A प्लस A माइनस M करना होगा। तो जो हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कर लेंगे, तो M का कॉम्प्लीमेंट को हमने ऐसे लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 और कॉमा शिफ्ट राइट। ये आपको इतनी स्टेप्स आपको करनी है, ये आपको ऑप्शंस। एंड आफ्टर दैट जो नंबर 4 स्टेप है वो चेक करेगी
चेक होगा इसमें क्या कहते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है, तो स्टेप्स आपकी नंबर ऑफ एन की वैल्यू जिसे हम काउंट कहते हैं, काउंट की वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी। जब तक ये लूप चलता रहेगा काउंट की वैल्यू किससे बड़ी है, जीरो से, जैसी जीरो होगी वैसी रूल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां पे हमें ए के साथ काउंट की वैल्यू भी चेक करनी है, काउंट की वैल्यू ये चीजें हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और एम क्यू क्यू नॉट माइनस वन ए और काउंट की वैल्यू चाहिए, जिसमें हमें किसकी वैल्यू पता है, एम और क्यू की वैल्यू हमें पता है, यानी कि एम और क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्यू माइनस वन की वैल्यू और ए की वैल्यू बतानी और काउंट की। तो क्यू माइनस वन की वैल्यू यहीं पे लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले ए, ए की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं एम और क्यू में, जितनी मैक्सिमम बिट्स हैं वो ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो उतने जीरो ए की वैल्यू। देखिएगा एम में चार बिट हैं, ऐसी क्यू में चार बिट हैं, तो आपने कितने लिख दिया, ए में चार जीरो इंसर्ट कर दिया, ऐसी आपका ए की वैल्यू हमें पता चली। अब क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहती है, जीरो, यानी क्यू माइनस वन की स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, स्टार्टिंग में जीरो रहेगी, तो हमें यह भी पता चल गई। अब काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, जितने नंबर ऑफ जीरोस ए के अंदर है उतने हमारे काउंट की वैल्यू है, तो नंबर काउंट की वैल्यू हमारी हो गई फोर। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गया बेसिक थिंग का, जितने भी हमारी बेसिक थिंग्स हैं, ये आपको क्लियर हो गया कि एम की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये, क्यू माइनस वन की वैल्यू, ए की वैल्यू और काउंट की वैल्यू अब हमें पता चल गई। तो हमारी पहली नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट हो गई। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले इसकी वैल्यूज हम फिल करते हैं, ए की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू हमें क्या था 1101, एंड क्यू माइनस वन की वैल्यू हमें पता है, क्यू नॉट माइनस वन की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू जीरो रहेगी, एंड एम की वैल्यू भी हमें पता है, एम की वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है, एम की वैल्यू आएगी 0111, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब है इनिशियल वैल्यू हमने, वैल्यू हमने रख दी। अब इनिशियल वैल्यू हमने फिट कर दी, अब हमें चेक करना है वैल्यू क्यू नॉट और क्यू माइनस वन। देखिएगा क्यू नॉट हमें कहां से मिलेगा, दैट्स द क्यू नॉट, जो नंबर ऑफ क्यू की जो बेसिक बिट होगी, जो सबसे बेस बिट होगी वो हमारी क्यू नॉट की रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे हमें वन मिलना है और ये क्यू माइनस वन पे जीरो, यानी अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें क्या मिल गया, हमें 10 मिल गया। अब जो 10 मिल रहा है आप देख रहे हैं, तो 10 को देखते हैं क्या करते हैं, 10 में स्टेप क्या है, 10 में स्टेप ये है कि ए में क्या हो जाएगा, ए में हम ए में और एम का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन जोड़ना है। तो सबसे पहले ए में कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हमने करा तो देखिएगा क्या होगा, नहीं ए में 000 तो था, प्लस एम का कॉम्प्लीमेंट, एम की वैल्यू है 0111, और जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, तो 1000 आ जाएगा और प्लस 1, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 1001 आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो चलते हैं ये फिक्स करते हैं, सबसे पहले 1001 और बाकी की वैल्यूज एज इट इज, बाकी की वैल्यूज एज इट इज रख देंगे और दैट्स द ऑप्शन, स्टेप हो गई आपकी। ए में क्या करा आपने, ए प्लस एम का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, आपने ऐसा कुछ कर दिया, ए का ए में एम का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, या इसे आप चलिए आप तो लिख ही दिया हमने। अब जैसे ये एक स्टेप हो गई, तो इसके साथ आपको दूसरी स्टेप भी करनी है, शिफ्ट राइट।
अब शिफ्ट राइट देखिएगा कैसे करेंगे, तो शिफ्ट राइट ऑप्शन करने का ए को ही हमें शिफ्ट राइट करना, तो ए को नेक्स्ट बिट में भेजना पड़ेगा, इससे हमें नेक्स्ट बिट में भेजना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं बिट, डेटा को लिखते हैं, और डेटा जो हमारा लिखा जाएगा हमने लिखा, देखिएगा पहली बिट हम बाद में भरेंगे, देखिए दूसरी बिट हमारी वन हो गई, तीसरी बिट जीरो, और जो तीसरी बिट आएगी जीरो, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये वन अभी मैं नहीं जीरो, और यहां पे देखिएगा मैं अभी बता दूंगा, और ये वन, और ओवरऑल अभी इसे रिप्रेजेंट करा जाएगा कैसे हो रहा है, जीरो वन वन वन, और यहाँ पे शिफ्ट राइट, ये शिफ्ट राइट हो गया। तो कैसे करा ये हमने देखते हैं फिर से, ये वाली वन बिट यहां पे शिफ्ट हो गई, एक एक बिट शिफ्ट करना है, ये जीरो यहां आ गया, ये जीरो ये आ गया, देखिएगा अब ये वन आपका कहां जाएगा, ये तो निकल गया इससे, तो ये आगे शिफ्ट हो गया इस वाली बिट में, सही है, और ये वाला वन आपका ये देखिए, और ये वन आपका ये शिफ्ट हो गया, और ये जीरो आपका नेक्स्ट बिट पे शिफ्ट हो गया जहां पे वन था। अब ये वन कहां शिफ्ट हो गया, वन आगे शिफ्ट हो गया, जीरो को रिप्लेस कर दिया वन से। तो ये आपकी एक स्टेप कंप्लीट हो गई, दैट्स द सी स्टेप जो थी। तो अब हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी रहेगी, काउंट की वैल्यू चार थी, काउंट को माइनस माइनस कर दिया, काउंट की वैल्यू थ्री हो गई, स्टेप एक कम हो गई, तो स्टेप अब तीन बची, तो हमें ये पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन पे क्या आएगा, तो फर्स्ट पोजिशन पे भी हम कॉपी कर देंगे वन को, और देखिएगा ये वन, ये वन आ गया, वन डबल वन जीरो जीरो। अब ये आपको पहली स्टेप क्लियर होगी, चलते हैं दूसरी स्टेप पे। अब हम अगेन हमें कहां से स्टेप स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो हम जैसे ही चेक काउंट हो जाएगा हम जाएंगे फिर से चेक वैल्यूज करेंगे, तो ये जो लूप है ये अगेन आपका यहां भेज देगा दूसरी स्टेप के पास, काउंट को यहां पे काउंट माइनस माइनस करना पड़ेगा, एक लाइन हमने लिखी नहीं थी, हर स्टेप पे काउंट माइनस माइनस हो जाएगा, लिख देंगे बाद में काउंट माइनस माइनस। तो अब फिर से हम क्यू नॉट और क्यू वैल्यू, अब क्यू नॉट की वैल्यू देखते हैं क्या है, अब है जीरो, अब है जीरो और ये वन, देखिएगा बेस वैल्यू आपकी देखो जीरो दे रखी है, जिसे मैं पॉइंटर से शो कर रहा हूं स्पॉटलाइट, ये देखिए जीरो दे रखी है और ये वन दे रखी है। अब जीरो और वन से क्या होता है देखिएगा, जैसे हम जीरो वन मिलता है तो हम यहां जाते हैं जीरो वन। अब हमें क्या करना है, ए में ए प्लस एम जोड़ना है और शिफ्ट राइट भी करना है, तो दोनों चीजें करनी है इस स्टेप पे। तो ए प्लस एम क्या होगा, तो ए की वैल्यू है वन वन जीरो जीरो, देखिएगा ये ए की वैल्यू आई है, और इसमें आपको क्या जोड़ना है, एम, एम की वैल्यू क्या है जीरो ट्रिपल वन, जब आप इसे जोड़ेंगे देखते हैं इसे नीचे जीरो ट्रिपल वन, तो एक जो आपने जोड़ा इसे तो वन हो गया, ये भी वन हो गया, और ये वन वन का जीरो आएगा, थर्ड बिट आपकी जीरो आ गई, और एक कॉम्प्लीमेंट ऊपर किया गया, ये भी बिट आपकी क्या हो गया जीरो आ गई, और एक कैरी आएगा वन। तो ये कुछ इस तरीके से बिट आ रही है, अगर आप देखें इसे मैं इधर लिख देता हूं, एक कैरी भी जनरेट हो रहा है, तो हमें कैरी को डिस्कार्ड कर देना है, हमें बिट लिखनी है डबल जीरो डबल वन, यहां तक की बिट लिखनी है, कैरी को डिस्कार्ड करके जो रिजल्ट आया जीरो ट्रिपल वन, अब हम यहां पे लिखेंगे, और हमने हमारा ये रिजल्ट जीरो डबल वन, और फिर वन 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 जीरो, देन वन सेम कॉपी, एंड देन जी
और ये हमने करा ए में क्या कर दिया, हमने ए में क्या कर दिया, ए प्लस एम, ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा है। अगेन शिफ्ट राइट भी करना है। अब जो शिफ्ट राइट करना है, देखिएगा राइट करने में बता देता हूं डायरेक्टली, फिर से 001 आपको एरो के थ्रू समझाता हूं। कुछ इस तरीके से आपका शिफ्ट राइट हमने परफॉर्म करा है, मैं एरो के थ्रू दिखाता हूं। देखिए ये जीरो हमने यहां पे भेज दिया, ये जीरो हमने यहां भेज दिया, और ये वाला जीरो, ये वन हमने यहां भेज दिया। अब एक वन हमें कहां भेजा जाएगा, क्योंकि चार, ये तीन की चार, ये वन यहां पे शिफ्ट कर दिया, और इसकी जो पहली बिट को हमने डबल कॉपी कर दिया, दो जगह कॉपी करा, ये वन यहां पे आ गया, ये वन यहां पे, ये और ये वन यहां पे, और ये जीरो यहां शिफ्ट हो गया। देखिएगा नंबर ऑफ स्टेप टू पूरी हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी स्टेप पे। तीसरी स्टेप हमारी क्या कहती है, फिर से हम क्या चेक करेंगे, क्यू नॉट और क्यू माइनस वन की वैल्यू। क्यू नॉट की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट में, दिखाता हूं, वन और जीरो मिल रही है हमें। अब हम वन और जीरो पे देखिएगा कौन सा ऑपरेशन होगा, फिर से हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी सब्ट्रैक्शन करना है ए माइनस एम। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस एम का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो ए की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, 0001, और इसमें एम की वैल्यू जो एम का कॉम्प्लीमेंट 100 और प्लस वन, ये करना है जोड़ना। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 101 और 0, ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, आप जोड़ करके देख लेना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका कॉम्प्ले, हमें निकाल लिया 1010, बाकी की वैल्यू सेम। बाकी की वैल्यू सेम रखनी है, 0111, और शिफ्ट हमने क्या करा है, हाँ जो ऑपरेशन परफॉर्म करा OPER ए माइनस एम करा है, ए माइनस एम परफॉर्म करा, वही कॉम्प्लीमेंट को जिसके थ्रू हम लिख लेते हैं। अब शिफ्ट ऑपरेशन करना है, तो शिफ्ट ऑपरेशन आपको पता है, आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0111 and 1 और 0111 और शिफ्ट राइट, देखते हैं कैसे क्या कर रहा है ये, एरो बना के हम शो करते हैं। सबसे पहले तो हमने ए को यहां शिफ्ट करा, और जीरो को ये शिफ्ट करा, वन को ये शिफ्ट करा, जीरो को ये शिफ्ट करा, वन को ये शिफ्ट करा, वन को ये शिफ्ट करा, वन को अगेन ये शिफ्ट करा, और ये वन को आपने ये शिफ्ट कर दिया, एंड होल थिंग्स की लास्ट वन ये आपने यहाँ पे सेम कॉपी कर दी। तो ये आपका ऑप्शन परफॉर्म हो गया, दैट्स द स्टेप नंबर 3। अब हमें क्या देखना है, फिर से लास्ट में डिजिट पे हमें देखना है कि अब हमें क्या मिल रहा है टेक्स में, लास्ट में 1 1 मिल रहा है। स्पॉटलाइट के थ्रू हम देखते कि हमें 1 और 1 मिल रहा है, और 1 1 पे हमारे देखिएगा क्या है, शिफ्ट राइट करना है ओनली। तो शिफ्ट राइट करना है, तो सबसे पहले शिफ्ट राइट कर लेते हैं। शिफ्ट राइट करना सभी को आई गया है कि 1 1 देखिए मैं लास्ट में कर रहा हूं, और फिर मैं इसे एरो के थ्रू दिखा दूंगा 1011, और ये लास्ट में 1 मिलता है, और 0111 तो ये है ही, और यहां पे क्या कर दिया, अगेन शिफ्ट राइट, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन शिफ्ट राइट। तो ये हमारा देखिएगा नंबर ऑफ स्टेप्स हमारी कितनी हो गई, 1 2 3, अगर मैं लाइनिंग शो करूं तो दैट्स द इनिशियल स्टेप, दैट्स
दैट इज द फर्स्ट स्टेप. दैट इज द सेकेंड स्टेप. दैट इज द थर्ड स्टेप. एंड दैट इज द फाइनल एंड फोर्थ स्टेप. एंड हमारी जो काउंट की वैल्यू थी फोर, पहले काउंट की वैल्यू थ्री हुई, फिर टू हुई, फिर वन हुई और जीरो पे हमारा आउट हो गई. यानी कि चार बार ये लूप चला और फाइनल वैल्यू हमारी हमारी हमारे पास आ गई है जो रिप्रेजेंट करी गई है इस बॉक्स से. मैं बॉक्स दिखा रहा हूं, ये जो हमारी फाइनल वैल्यू है दैट्स द फाइनल आंसर जो हमारा मिला है. अब जो जो हम आंसर निकालना चाह रहे थे वो क्वेश्चन में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, सात मल्टीप्लाई थ्री माइनस थ्री, तो आंसर आएगा 21. अब देखिएगा माइनस के 21. अब माइनस के किसी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, हम वैसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो हम अपना आंसर कैसे चेक करें, क्योंकि ये आंसर तो कुछ और आ रहा है. तो सबसे पहले अगर हम माइनस 21 को टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से रिप्रेजेंट करें तो 21 को रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है, 21 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए देखते हैं. 21 का अगर आप देखिएगा, 21 का अगर हम निकालें 16 4 20 4 20 21 का 01 16 4 20 और 1 21 ये आएगा आंसर. और जब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 01 और 010 और 1+1 भी जोड़ना पड़ेगा, 1 भी जोड़ना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 01011. आई थिंक आपका ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा देखते चेक करते हैं. तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन आएगा, देखिएगा स्टार्टिंग यहाँ की जो 5 बिट इससे रिप्रेजेंट कर रही हैं. लेकिन अभी हम इसको फिर से हम चेक करते हैं, क्या इसको 21 को अगर हम इस वैल्यू का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा. तो इसका भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं और इसमें प्लस वन जोड़ दो तो देखिएगा ये 0001010. तो ये आपका देखिएगा 21 को रिप्रेजेंट करता है. तो देखिएगा दोनों तरीके से इसका ही हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना है 1011. इसका अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर से चेक कर लेते हैं 0001010 और प्लस वन और जोड़ना है. तो अगर प्लस वन जोड़ेंगे तो 0001010 तो 21 रिप्रेजेंट कर रहा है. तो माइनस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो माइनस 21 है तो उसका आंसर देखिए मैच करने के लिए आपको ऐसे मैच करना पड़ेगा. तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया एग्जांपल है. आपको ध्यान रखना है कि नंबर्स जो हैं आपके जो प्लस प्लस हैं, अगर दोनों नंबर प्लस हैं तो कोई कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. सही है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. अगर माइनस माइनस है तब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. या तो आपको जरूरत पड़ेगी प्लस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई साइन था, यहां पे भी मल्टीप्लाई साइन, और माइनस में, तब आपको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी. और या माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो साइन, तब आपको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपके आंसर्स आपके एज इट इज आ जाएंगे जैसे हमने कल करा था. दैट इज द फाइनल आंसर फॉर द बूथ मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम. आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये आंसर. अभी पूछते हैं सभी से. तो थैंक यू टू ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. देखते हैं